हेलो डियर फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। हमें इस ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इसको हमें बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास डेसिमल में डेसिमल के साथ ये कोफिशिएंट्स हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन डेसिमल को नॉर्मलाइज करूँगा। आपको याद होना चाहिए कि जब हम एक डिजिट के बाद डेसिमल हटाते हैं तो एक जीरो नीचे आता है, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ इस पूरे पार्ट में, अगर इस पूरे पार्ट को मैं सॉल्व करूँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम तो डिनोमिनेटर में सेम है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख ली जाएगी, क्योंकि थ्री के पीले पहले जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं रहा अब, है ना। और 13/10, तो ऐसे तरीके में क्या होता है, देखिए इधर का डिनोमेटर और इधर का डिनोमेटर जो है वो सेम है, तो ऐसे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो सीधे सीधे से इक्वेशन बनी वो बन गई हमारी 2x+3y=13, है ना। तो यही तरीका मैं दूसरी इक्वेशन के लिए भी कर सकता हूँ डेसिमल हटाने के लिए, तो 0.5y=2.3। तो यहाँ से भी अगर मैं हटाऊँ तो, क्योंकि एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक एक जीरो आ जाएगा, है ना, 10 के साथ। और फिर यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि पहले लिखा 23/10, और ये फिर अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी नॉर्मल फॉर्म में वो आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली इसको कह लेते हैं इक्वेशन वन, इक्वेशन टू इसको कर लेते हैं और यहाँ पर डिलीट कर देते हैं इसको, है ना। तो अब क्या करना है कि इसको जो है किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं 2x यहाँ इसको ट्रांसपोज कर दूँ तो प्लस से ये माइनस में चला जाएगा, और क्योंकि 2 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन a मान लेते हैं और कर देते हैं पुट इस सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ आप देखोगे 4x है, तो x की जगह पे क्या करूँगा मैं, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू मैंने बनाई है वो यहाँ पुट कर दूंगा, 13-3y/2, है ना, +5y एज इट इज रहेगा =23, है ना। तो आप देखोगे 4 जो है मल्टीप्लीकेशन में है इस पूरी वैल्यू के साथ 13-3y के साथ, मगर 2 के साथ क्या है, 2 के साथ तो ये डिवाइड में, तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 13-3y, है ना, +5y=23। अब मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, ये से भी मल्टीप्लाई होगा और 3y के साथ भी होगा, तो 13 2 26 और 3 2 6 होता है, +5y=23। तो यहाँ आप देखोगे कि 6y और 5y प्लस माइनस में है तो माइनस में ही जवाब आएगा। ठीक है, और 23 ये जब 26 के साथ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तो -y=2 कितना हो जाएगा, यहाँ 26 में से 23 चले आएंगे तो माइनस का ही बचेगा, क्योंकि 26 पे माइनस बड़ा है और जो बड़ा होता है उसका सिंबल लिया जाता है, तो दोनों पे माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a। हमारी जो इक्वेशन a है वो ये है, है ना, इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा y की जगह पे, 13-3y की वैल्यू आ चुकी है, डिवाइड बाय 2, है ना। तो 13-3 होता है 9/2, तो 13-9 होता है 4/2, और यहाँ से हमारे पास जवाब आ जाएगा x=2, है ना। तो फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 2 आई। अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहें आप, तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जब मैं किसी एक विषय चाहे इस इक्वेशन के अंदर या इसमें अगर मैं x y की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो आप देखोगे अगर मैं क्रॉस चेक करना भी चाहूँ 2x-+3y=13, तो 2 × x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो 2 2 4 3 3 9, तो आप देखोगे कि 13 जो है वो 13 के बराबर है। इसका मतलब हमारी जो x और y की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है, ये क्रॉस चेक करने के लिए था पूरा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।